लखनऊ में अवैध मिट्टी खनन माफिया सबसे ज्यादा मिट्टी बेच रहे हैं। थानापारा की चौकी हंसखेड़ा क्षेत्र में खनन माफियाओं के डंफरों का रात भर आतंक रहता है। बेइंतहा सड़कों पर अवैध मिट्टी के परिवहन बिना नंबर के डंपर दौड़ते रहते हैं। सूत्रों की माने तो पारा थाना खासकर अवैध रूप से मिट्टी बेचने वाले खनन माफियाओं पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। खनन अधिकारी दिनेश कुमार आर्य आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने में नाकाम साबित नजर आ रहे हैं। खुलेआम माफियाओं को समर्थन करते हुए सरकारी भूमियों से मिट्टी खुदवा रहे हैं। अवैध रूप से सरकारी भूमि से मिट्टी खोदकर खनन माफिया अवैध रूप से मौत का कुआं बना रहे हैं। काकोरी थाना पारा, थाना दुबग्गा और थाना मलिहाबाद में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कब एक्शन में आएगा? लगभग 4 माह से बड़े पैमाने पर हो रहा है अवैध खनन एवं परिवहन। बेइंतहा अवैध रूप से रात भर सड़कों पर मिट्टी से लदे डंपर दौड़ते हैं। खनन विभाग लाचार नजर आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन खनन माफियाओं पर पुलिस विभाग कार्यवाही क्यों नहीं करता? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।